कहाँ जा रहे हैं? तुम बता क्यों नहीं रही हो? तुम डर क्यों रही हो? मैं डर नहीं रही, मैं सिर्फ इंच रही। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आई हो और अब बता भी नहीं रही। बताओ ना कोमल, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत कर सकती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जब ही नहीं बता रहे। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे तुम तो मुझसे ज्यादा बेचैन हो, थोड़ी देर खामोश नहीं बैठ सकती? मैंने शाहमीर को इनवाइट किया है, हम लोग साथ ही डिनर करेंगे सब। कोमल, तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं वापस घर चली जाऊंगी। भाई आप गाड़ी यहीं रोकें, साइड पे लगाएं गाड़ी। इफ्रा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ डिनर करने में? क्या हो गया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं जाना। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे शाहमीर और मेरे दरमियान तुम कभी आ ही ना हो। तुम अक्सर तो हमारे साथ होती हो, आज भी आ जाओगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी शाहमीर के पास अब टाइम बहुत कम होता है, तो ऐसे डिनर कम ही होते हैं। मैंने सोचा आज एक गेट टुगेदर रख लेते हैं। इफ्रा, क्या हुआ यार, कहाँ जा रही हो? इफ्रा यार रुको, मेरी बात तो सुनो। इफ्रा, इफ्रा जा। आ जाओ। इफ्रा, कहाँ जा रही हो? इससे क्या होगा जाने से? इफ्रा मेरी बात तो सुनो। चल। मेरी गलती है, मैंने तुम पर शक किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बहुत बुरी हूँ, सारा कसूर मेरा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ, मैंने बहुत गलत किया। कोमल, तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब है यकीन, प्रॉमिस। आज से मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगी। तो नहीं मुझे क्या हो गया था, इतनी बदगुमान हो गई थी कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। अगर तुम्हें एहसास होता तो तुम कभी भी ये सब कुछ नहीं करती। मेरा यकीन करो, मैं ऐसी नहीं थी। नहीं, इंसान मोहब्बत में इतना तंग नजर, शकी और हासिद हो जाता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शायद तुम शामिर से बहुत मोहब्बत करती हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। शायद मैं वाकई शाहमीर से बहुत मोहब्बत करती। अगर मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने कितनी गिरी हुई हरकत की है, मैंने कितनी खुदगर्जी से सोचा। हम जितने भी सोशल हो जाए, मगर अंदर से बहुत मफाद परस्त होते हैं। और मैं भी बस अपने बारे में ही सोच रही थी। प्लीज इफ्रा, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम्हें पता है, जब से तुम आई हो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहन दे दिया। प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बहुत अच्छी हो। कर दे माँ, तुम बहुत अच्छी हो। हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया यासिर अंकल? कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं घर पर नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के अलावा इस बात का इल्म किसी और को। यानी आप खुद जो भी कहना है आप बेफिक्र होके कहें, कोई ऐसी बात नहीं। क्या तुम इफ्रा के लिए वाकई बहुत सीरियस हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा दो चार दिन का जुनून हो? इस एज में ये सब कुछ होता रहता है, आई नो दैट। नहीं, मैं इफ्रा को सिर्फ पसंद नहीं करता, उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ पसंद वक्त के साथ तब्दील हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती। You want to marry her? जी, और इसीलिए मैंने आपसे बात की थी। यासिर अंकल, मैं जानता हूँ आप इफ्रा को लेके बहुत परेशान रहते हैं, बड़े कंसर्न रहते हैं, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको किसी भी तरह से यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं इफ्रा को बहुत खुश रखूंगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। I promise you this। मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूं, मगर तुम जानते हो कि उसका रिश्ता तय है। यही तो प्रॉब्लम है यासिर अंकल, मुझे बस किसी तरह एक बार ये पता चल जाए कि इफ्रा का रिश्ता किससे तय हुआ, मैं उससे खुद बात करूंगा, बल्कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की भी ढूंढ लूंगा मैं। ये मजाक नहीं है। नहीं तो यासिर अंकल, मैं लेकिन सीरियस हूं, मैं इफ्रा के लिए ये भी कर सकता हूं। मुझे पता है कि उसका रिश्ता किसके साथ हुआ। किसके साथ? मगर वो रिश्ता जरा मुश्किल है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। उसका निकाह हो गया। निकाह? ने तो कभी मुझसे जिक्र नहीं किया। किसके साथ हुआ है उसका निकाह? मुझसे। कहाँ थे तुम? मैं अपनी जिंदगी की सबसे तल्ख सच्चाई सुन के आ रहा हूं। किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? वही जो इस वक्त मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो शामीर? साफ साफ बताओ क्या बात है। साफ साफ तो कभी आपने मुझे नहीं बताया पापा, क्योंकि सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, आपका खुद का दोस्त है। तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यासिर अंकल ने इस उम्र में इफ्रा से निकाह क्यों किया। आपके दोस्त को अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए शर्म नहीं आई? एक लड़की की मजबूरी से फायदा उठाया उन्होंने। ऐसा नहीं है शामीर। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, आप तो यही कहेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको उनको रोकने के बजाय आपने उनका साथ दिया है। तुम्हें ये सब किससे कहा? आपको क्या लगता था मुझे कभी ये सब कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे यासिर अंकल ने ये बात खुद बताई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इफ्रा के साथ ये निकाह जबरदस्ती हुआ, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसको तो तबाह करके रख दिया आप लोगों ने। किसी की हकीकत जाने बगैर उसको गुनहगार नहीं ठहरा सकते तुम। तो आप लोगों ने इफ्रा के साथ जुल्म किया है और किसी के साथ जुल्म करना भी गुनाह है। इसके लिए मुझे आपकी वजाहत और दलील की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है यासिर, आप जब से ऑफिस से आए हैं बहुत खामोश हैं, सब ठीक है ना? मुझे लगता है मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। क्या? यही कि पहले तो आप मुझसे अपनी हर बात शेयर कर लेते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब आपको लगता है मुझ पे यकीन नहीं रहा। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो है वो आप मुझे बताते क्यों नहीं है? हमने जिंदगी के हर मौसम में सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया। अब जो है वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। मैं एक्चुअली वो इफ्रा को लेकर बहुत परेशान हूँ। शायद ले तो आया हूँ लेकिन शी इज नॉट हैप्पी है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है यासिर कि वो खुश नहीं है यहाँ पे? हमारी कोमल भी तो उसी की उम्र की है, वो तो हर वक्त हंसती खेलती रहती है, लेकिन इफ्रा कहीं उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो गई? यासिर आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। इफ्रा पढ़ रही है, ज़हीन लड़की है, वो किसी ना किसी काबिल बन जाएगी, उसके लिए भी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। कोमल और इफ्रा के मिजाज में बहुत फर्क है। कुछ लोग हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, और कुछ लोगों के तो खुशी में भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग खुश नहीं हैं। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। उसका निकाह हो गया। किसके साथ हुआ है उसका निकाह? मुझसे। शुक्र है मैंने हैंडल कर लिया, वरना हमारा चालान हो जाता। मुझे तो लगता है लोग जानबूझकर गाड़ी वहीं पार्क करते हैं जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड हो। हमारा मिजाज बन गया है एक दूसरे को परेशान करने का। जब तक कोई एडवेंचर ना हो जाए ना, मजा ही नहीं आता। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ हाँ, क्या हाँ? वो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा बताओ मैं क्या कह रही थी? शाहमीर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं, मैं सुन रहा था तुम्हारी बात, मगर तुम्हारी तवज्जो कहीं और थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तुमसे जो कहूंगा तुम उस पर यकीन करोगी। शाहमीर तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे बचपन से जानते हो। कोई मेरी बात का यकीन करे ना करे, मैं जानता हूं तुम जरूर करोगी। मगर तुम्हारे यकीन में इतना डर क्यों है? क्योंकि कभी कभी हमारा यकीन हमारा मान भी तोड़ सकता है। क्या कहना चाहते हो? चलो। क्या हुआ शाहमीर? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। एक्सक्यूज मी। ये शाहमीर कहाँ चला गया? पता नहीं मामा, चला गया। वैसे कह क्या रहा था वो? कुछ कहा ही नहीं। कभी कहता है कुछ कहना है, कभी कहता है कुछ नहीं। पता नहीं क्या चाहता है शाहमीर। क्या बात है, अतिया नहीं आई? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मैं जाके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, उनकी बस सर में दर्द है, उन्होंने टैबलेट ले ली है, वो सो रही है। अतिया अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, हर वक्त किसी ना किसी काम में लगी रहती है। मुझे तो लगता है कि वो इफ्रा की शादी का सारा काम अकेले ही संभाल लेंगे। मामा अभी तो आप मेरी शादी का सोचे ही ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि शाहमीर अभी मुझसे शादी के मूड में ही नहीं है। आप इस तरह क्यों कह रही हैं? देखा नहीं आपने शाहमीर को, हर वक्त उलझा उलझा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई मसला है। आपने उससे पूछा क्या बात है? इतनी बार पूछा है उससे, मगर वो कुछ बताता ही नहीं है। आप भी तो उससे हर वक्त लड़ती रहती हैं। आप कहाँ लड़ती हूँ मैं उससे? अब तो वो मुझसे लड़ता भी नहीं है। पता नहीं बहुत डिस्टर्ब रहता है। आप रहने दीजिए, मैं खुद उससे बात करूँगी और मुझे यकीन है कि वो मुझे ज़रूर बताएगा। क्या बात है इफ्रा, तुमने खाना नहीं खाया? जी बस खा लिया। अपनी माँ की वजह से परेशान है, इसलिए तो इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। और आप क्यों नहीं खाना खा रहे? क्या हुआ, क्या है आपको? अरे मैं खाया, मैं उठा लेता हूँ। तुम एक बार मुझे मौका तो दो, मैं तुम्हारे सारे गम अपने हिस्से में ले लूंगा। कुछ तो मेरी मिल्कियत में लाने थे और नया तो मेरा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अपनी मिल्कियत में ले लो। औरत को उसका हिस्सा मिलता ही कहाँ है? उसकी अपनी जात के हिस्से कई टुकड़ों में बांट दिए जाते हैं, कुछ बाप के लिए, कुछ शौहर के लिए और कुछ औलाद के लिए। उसका तो अपनी जात पे भी इख्तियार नहीं होता। मैं तुमको अपने ऊपर तमाम इख्तियार देना चाहता हूँ। मेरे दिल का ये मानना है तुम्हारी कैद से निकल के तुम्हारी गुलामी में आ जाए। इतनी रात को आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। आपको समझ क्यों नहीं आती? सिर्फ एक बार मिल लो। मैं आपसे नहीं मिल सकती और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। इफ्रा मेरी बात को समझो, मैं तुमसे घर पे सही तरह बात नहीं कर सकता। तुम सिर्फ एक बार मुझसे बाहर मिल लो। आपको पता है आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? कि आप मेरी कोई बात नहीं मानते। तुम्हारे ही कहने पे मैंने ना चाहते हुए कोमल से मंगनी की है, अगर तुम्हें याद हो तो। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। खुदा हाफिज। शामीर, नाश्ता कर लो बेटा। मुझे भूख नहीं है। तो मुझे समझते क्या हो? जो समझता था आप वैसे बिल्कुल नहीं है पापा। तुम मेरे बारे में बदगुमान हो रहे हो, अपने बाप के बारे में। मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? ये तरबियत की कमी नहीं, मोहब्बत का असर है। आपने अपनी दोस्ती की वजह से मेरी मोहब्बत भेंट चढ़ा दी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? आप जानते थे मैं इफ्रा से मोहब्बत करता हूं, उसे शिद्दत से चाहता हूं। आपने मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है। यासिर अंकल के साथ साथ आप भी इसके जिम्मेदार हैं पापा। आपका इतना दिल कैसे सख्त हो गया? आपने एक लड़की की उसके बाप की उम्र के आदमी से शादी करा दी। मैंने नहीं करवाई है शादी। अरे आप सब जानते थे, फिर भी आपने यासिर अंकल के कहने पे उनका साथ दिया। रोजीना आंटी, कोमल, इफ्रा, हम सबकी जिंदगी को मजाक समझाया आपने और आपके दोस्त ने। तुम पहले मेरी बात सुनोगे? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सोच भी नहीं सकता था आप और यासिर अंकल इतना गिर जाएंगे, और आप अभी भी उसको छुपाना चाहते हैं। शामीर, तुम पहले मेरी बात सुनो। मुझे यकीन है ये रिश्ता जबरदस्ती किया गया है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी नहीं करती। तुम सिर्फ जज्बाती होकर सोच रहे हो। मेरे एहसासात को जज्बात का नाम देके आप ये जंग नहीं जीत सकते पापा। जंग? कौन सी जंग? तुम मुझसे लड़ोगे, अपने बाप से लड़ोगे, उसने जिसने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुमको चलना सिखाया, हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें दुनिया से लड़ना सिखाया। आज तुम मेरे सामने सीना तान कर खड़े हो। हाँ, मैं ये जंग लड़ूंगा, और अगर ये जंग मुझे आपके साथ भी लड़नी पड़ी तो मैं ये दुआ करूंगा कि इस जंग में जीत आपकी हो, लेकिन इस जीत में आप मुझे खो दें। तुम्हें शामीर को बताना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें पता नहीं आजकल के बच्चे कितने जज्बाती होते हैं। शामीर को बताने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते तुम। मैं कब तक उसके सवालों को अवॉइड करता। वो जितनी दफ़ा मिलता है मुझसे एक ही सवाल करता है कि इफ्रा का रिश्ता किससे तय किया हुआ है, तो मुझे बताना पड़ा उसे। जब तुमने अपने निकाह का उसको बताया था तुम उसको पूरी बात बताते। तुम जानते हो वो क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है कि मैं भी निकाह में शामिल था, वो मुझे ब्लेम कर रहा है। मैं उसे सारी बात बताना चाहता था लेकिन वो मेरी पूरी बात सुने बगैर ही चला गया, तो फिर मैं उसे कैसे बताता बताएं। इस नौजवान नस्ल की तो प्रॉब्लम ही यही है यासिर, बगैर तहकीक के अपनी कोई राय कायम कर लेते हैं, वो जानना ही नहीं चाहते कि हकीकत क्या है। वो इफ्रा के लिए बहुत सीरियस है। मैंने उसकी आंखों में वो तड़प देखी है जो मैं कभी रोजीना के लिए महसूस किया करता था। बेटा मेरा है और इश्क में वो तुम पर चला गया, बड़ी अजीब बात है। जब इंसान को इश्क होता है तो वो अपने बाप का क्या अपना भी नहीं रहता। उसकी मोहब्बत को रोककर आपने खुद उसे इश्क के दर्जे तक पहुंचा दिया, उसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हारे पास इश्क का तज्जिया सुनने नहीं आया, इस मसले का हल निकालो यासिर, मैं बहुत परेशान हूँ यार। तो फिर आप बता दें मैं क्या करूँ, प्लीज टेल मी। इस डोरी को सुलझाओ यासिर, वरना ये टूट जाएगी। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। शाहमीर जितना आपको अजीज है उतना ही मुझे भी अजीज है, so don't worry। ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? मैं यासिर को ऐसे नहीं करने देता, उसका असल चेहरा सबके सामने लेकर आता। मुझे बताओ उसने तुम्हें शादी करने पे कैसे मजबूर किया? मैं जानता हूं इस जुर्म में मेरे पापा भी बराबर के शरीक हैं, मैं अपने पापा को भी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम देखना मैं इन सबको कोर्ट तक घसीटूंगा। आप होश में तो आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो मेरे साथ, हम सबको बता देते हैं। आप किसी को कुछ नहीं बताते? घबराओ मत, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है, तुम बस मेरे साथ चलो। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूं? मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा। मैं इस यासिर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हशर करूंगा ये खुद पछताएगा कि इसने क्या किया था। शाहमीर आप अपनी हद से बढ़, अपनी हद में रहे, वो आपके बड़े। मैं इज्जत उम्र देख के नहीं करता, इंसान के कामों की वजह से करता हूँ, और मेरे सामने वो इंसान इज्जत के काबिल ही नहीं है। मैं इस घटिया शख्स को। शाहमीर बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है रीत, अब तुम देखो इस जलील इंसान को कहां-कहां रुसवा करता हूं मैं। शाहमीर कहाँ चला गया ये लड़का? सुबह से उसका नंबर ऑफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम कोमल, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? कोमल शाहमीर तुम्हारी तरफ तो नहीं आया था? शाहमीर नहीं तो क्यों अंकल, क्या हुआ? सुबह घर से निकला था, अभी तक लौट कर ही नहीं आया। कितनी दफा मैंने फोन किया है, उसका नंबर ऑफ जा रहा है, बहुत दफा ट्राई कर चुका हूं मैं। अंकल शाहमीर अपना नंबर कभी ऑफ तो नहीं करता। शाहमीर तुमसे कुछ कह के गया था? कहीं आज उसे जाना था, कोई काम था उसका? नहीं अंकल, मेरी उससे कोई बात तो नहीं हुई, और शायद कहीं उसके जाने का इरादा हो तो मुझे नहीं पता। खैर आप परेशान मत हो, वो अपने दोस्तों के पास ही होगा, उनको कॉल करके पूछ लीजिए। कोमल, तुम एक काम कर सकती हो, बाकी घर वालों से भी कुछ पूछ लो। हो सकता है शाहमीर ने उनको कुछ बताया हो और वो जरा इफ्रा से भी मालूम कर लेना। जी अंकल, मैं सबसे मालूम कर लेती हूँ और आप परेशान मत हो, हो जाएगा। ये मैंने क्या किया? अगर शामिल को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे शामिल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं उसे मोहब्बत नहीं दे सकती, तो मुझे उसे दुख देने का भी कोई हक नहीं है। उसने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिल सका। नहीं, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, वो अपने किसी दोस्त के पास नहीं है। बात क्या हुई थी इकबाल भाई? वो किस बात पे घर से नाराज होके गया? आजकल के बच्चों को हम कुछ कह ही नहीं सकते, जरा सा डांट दो तो उनको बुरा लग जाता है। अगर किसी चीज से उनको रोको तो समझते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। ये बात तो है इकबाल भाई, अब वो जमाना नहीं रहा जब बच्चे माँ बाप की सख्तियाँ या डांट बर्दाश्त कर लें। भाभी, जमाने का कसूर नहीं है, हमारे ही मिजाज बदल गए हैं। हर आदमी ये समझता है कि जो वो कर रहा है बस ठीक कर रहा है, अगर कोई जरा सा भी रोके तो वो समझते हैं कि हमारे दुश्मन है। क्यों परेशान हो रहे हैं? उसे कहाँ जाना है, आ जाएगा वो। उसे आना होता तो अपना फोन बंद ना रखता, उसने अपना फोन ही इसीलिए बंद रखा है कि मैं उससे राब्ता ना कर सकूं। मैं उसकी माँ नहीं जो मैं उसकी नेचर समझ सकूं। मैं भी उस पर गुस्सा कर बैठता हूं। आज अगर उसकी माँ जिंदा होती, शाहमीर को मनाने के लिए मुझे इतनी भाग दौड़ न करनी पड़ती। ओहो इकबाल भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये वक्ती गुस्सा है, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो घर आ जाएगा वापस। यासिर ठीक कह रहे हैं, शाहमीर ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया। अभी इसी बात का तो डर है, जो आज से पहले नहीं हुआ आज ना हो जाए। तुम रो रही हो? नहीं। झूठ मत बोलो इफ्रा, मैंने तुम्हें खुद देखा है, तुम रो रही थी। क्या बात है इफ्रा, तुम क्यों रो रही हो? इफ्रा, मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही थी? मैंने डांटा इससे। आंटी, आपने इसे क्यों डांटा? ये इतनी अच्छी है, आपका इतना ख्याल रखती है, फिर भी आप इसे ऐसे ही डांट देती हैं। बहुत लापरवाह हो गई है ये, अपनी चीजें भी संभाल के नहीं रखती। बस थोड़ा सा ही डांटा मैंने इसे, अब देखो कैसे बच्चों की तरह रोने बैठ गई है। अब आप मेरी दोस्त को कुछ नहीं बोलेंगी, अब हम बड़े हो गए, अच्छा नहीं लगता कि आप लोग हमें छोटी छोटी बातों पर डांट दें। अच्छा इफ्रा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम्हें शाहमीर का कुछ पता चला? तुम्हारी शाहमीर से कुछ बात हुई है? पता नहीं कहाँ है शाहमीर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं चलती। तुम्हारे आंसू तुम्हारे दिल का हाल कहने लगे हैं, इन्हें रोकना सीखो। मेरा आंसू मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं जब तन्हा होती तो ये खुद ही चले आते, इनको पाबंद नहीं कर सकती। डॉली, ये शाहमीर पता नहीं कहाँ चला गया, इसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। जी मैम। अब इकबाल भाई खाना खाने को तैयार नहीं है, तुम ऐसा करो उनके लिए चाय बना दो। ठीक है मैम। मैम बोलो। मैम, आप शाहमीर के बारे में इफ्रा से क्यों नहीं पूछती? इफ्रा से? इफ्रा से क्या पूछूं? कुछ तो पता होगा, क्योंकि आज शाहमीर आए थे और इफ्रा से भी मिले थे। क्या शाहमीर यहाँ आया था और इफ्रा से भी मिला था? हाँ, मैंने इन्हें इफ्रा के साथ देखा था। आप उनसे पूछें, आपको जरूर कुछ पता चलेगा। इफ्रा से शाहमीर का पता चलेगा। शाहमीर यहाँ क्यों आया था इफ्रा? शाहमीर को मैंने बुलाया था यहाँ पे। आपने शाहमीर को बुलाया था? हाँ, वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था, चार्ज ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा शाहमीर को बुला देती हूँ, वो देख लेगा। फिर उसने देखा और ठीक भी कर दिया। वो दरअसल फोन ठीक था, चार्जर में कोई मसला था, बस इसीलिए बुलाया था मैंने। और फिर वो चला गया।